जब तक शीश त्राण मेरे शीश पर है तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मायासुर, मेरे मित्र, भेंट करने आ रहा हूँ तुमसे, तैयार हो जाओ मेरा स्वागत करने के लिए। उस दुष्ट की दुष्टता का मार्ग सुगम बनाने का माध्यम बनी हूँ, तो फिर स्वयं को कैसे क्षमा कर सकती हूँ मैं? अपने दोष के विचार से स्वयं को और व्यथित मत कीजिए माता। आप शांत हो जाइए माता, स्वयं को संभालिए। कैसे संभालूं मैं स्वयं को? इतनी बड़ी भूल हुई है मुझसे, और कैसे जाऊं मैं देवी आदि शक्ति के सब, और क्या उत्तर दूं मैं? यदि माँ के नेत्रों से एक भी अन्य अश्रु छलक कर यहाँ गिरा तो ये संपूर्ण गुफा ही ढह जाएगी। जी माता, रोकिए अपना रुदन। वाह, अद्भुत है ये दृश्य, और मित्र मायासुर की माया जिसके प्रभाव से इसने इन वृक्षों को अपने अधीन कर रखा है। क्या हो रहा है ये? क्या कारण है इस कंपन का? इतने क्रूर अवस्था में क्यों पड़ रहा है मेरी दिशा में? मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहा है गज, तो उचित है। आ गज, मेरा सामना कर। जब तक शीश त्राण मेरे शीश पर है तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये दुष्ट गज तो मेरा शीश मसल कर रख देगा।
विश्वास नहीं होता, अचानक कैसे रुक गया ये? और मैं अभी भी कैसे सुरक्षित हूँ? बहुत विचित्र बात है, ये क्रुद्ध गज अचानक श्वास के समान शांत कैसे हो गया? ऐसा लगता है इस पे किसी मायावी शक्ति का प्रभाव है। मित्र मायासुर, दुर्गमासुर, गतम गथा, जो बीत गया सो बीत गया माता। अब उसके विषय में विचार कर रुदन करने का क्या लाभ माता? दोष किसका था, भूल कहाँ हुई? चार त्याग कर अब हमें ये विचार करना चाहिए कि जो भी दोष पूर्ण हुआ उसे कैसे सुधारे हम, क्योंकि माता जीवन की कठिनाइयों का सामना अतीत की भूलों के विचार में डूबकर नहीं, अपितु वर्तमान में उत्तम भविष्य हेतु उचित योजना का निर्माण कर उस दिशा में कर्म करने से ही संभव है, और यही हमें भी करना होगा माता। सदैव उचित समय उचित ज्ञान प्रदान करते हो, इसीलिए संसार तुम्हें बुद्धिनाथ अर्थात बुद्धि के ईश्वर, बुद्धि प्रिय अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाले, बुद्धि विधाता अर्थात ज्ञान के ईश्वर नामों से भी जानता, और इसीलिए तुम्हारे 108 नामों की गण इन तीन नामों के उल्लेख के बिना अधूरी। इसीलिए गणेश अब तुम ही बताओ मुझे, तुम ही सुझाओ कि अब क्या करना चाहिए मुझे। माता, दुर्गमासुर और मायासुर मिलकर किसी कुटिल योजना को जन्म दे, उसके पूर्व ही हमें उन्हें ढूंढकर रोकना होगा। इसलिए अब आप हमें ये बताइए कि मायासुर का स्थान कहाँ स्थित है माता, और ये ज्ञात होते ही मैं भैया के साथ वहाँ के लिए प्रस्थान करूँगा और अवश्य रोकूंगा उन्हें। फिर मुझे उसके लिए विघ्नहर्ता के स्थान पर विघ्नकर्ता ही क्यों ना बनना पड़े माता। दुर्गमासुर, यहाँ इस समय दुर्गमासुर, माया नरेश मायासुर, मेरे प्रिय मित्र, इस गजरूपी विघ्न से मेरी रक्षा करने के लिए अपने मित्र दुर्गमासुर का अनेक धन्यवाद स्वीकार करो। अवश्य कोई न कोई नवीन योजना पनप रही है इसके मन में, अवश्य पूर्व ये हमें अपनी योजना सुनने पर विवश करे, क्यों न अपने परम मित्र के साथ कुछ हास परिहास किया जाए। दुर्गमासुर, आपके मुख से स्वयं का नाम सुनकर आपका ऐसे वह कृतार्थ हुआ स्वामी, आज्ञा दीजिए। हमारे कक्ष में पहुंचने से पूर्व हमारे लिए वहां मदिरा लेकर उपस्थित हो दुर्गमासुर। अवश्य स्वामी, अवश्य। पतुलित मायावी शक्ति का स्वामी मायासुर अपनी मायावी रचना के स्वरूप नियंत्रित परिवर्तित कर अपने स्थान को इतना गुप्त रखता है कि यदि मैंने उस स्थान को देख भी लिया तो भी मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी कि वो स्थान कहां पर स्थित है। केवल उसके प्रिय और विश्वास पात्र असुरों को वहां तक पहुंचने का रहस्य ज्ञात है, इसलिए एकमात्र दुर्गमासुर तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता है पुत्र। अर्थात माता, दुर्गमासुर को ज्ञात है कि मायासुर का साम्राज्य कहां स्थित है? हाँ पुत्र गणेश,
और वो दुष्ट स्वयं वहाँ पहुँच भी गया होगा। अवश्य पुत्र। अब आप निश्चिंत रहिए माता, अब तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए भैया। हाँ गया दीजिए माता। आओ गणेश, हम दोनों मेरे मयूर जी पर आरूढ़ हो जाए, क्योंकि वो मूषक जी से कहीं अधिक गति से हमें वहां पहुंचा देंगे। आओ भैया, यहाँ गति नहीं, गंध का महत्व अधिक है, और सूंघने में तो मूषक जी कहीं अधिक समर्थ हैं। इसलिए दुर्गमासुर तक पहुंचने के लिए हमें मूषक जी का ही सहयोग लेना होगा भैया। गंध नहीं, दुर्गंध कैसे प्रभु, क्रूरता की सड़न, कुटिलता की भभक में। तो बस मूषक जी, अब उसे ही सूंघकर हमें उस तक ले चलिए आप। उत्तम, अति उत्तम। सेवक हूं मैं, स्वामी की सेवा में कोई त्रुटि ना हो इसका ध्यान रखना परम कर्तव्य है मेरा, मैं रखूंगा ध्यान। मदिरा। स्वामी, स्वामी मदिरा प्रस्तुत है। स्वामी, स्वामी वचन दीजिए माता मुझे कि आप उसकी माया से मुझे सुरक्षित रखेंगी। ये दुष्ट दुर्गमासुर तो सेवक बनने के ही योग्य, किंतु दुर्भाग्य, ये मेरी विवशता है कि मुझे अपने चपट के वार से इसे मायासुर की माया से मुक्त कराना होगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, और ये मायासुर स्वागत करने के स्थान पर अपनी माया से प्रभावित कर रहा है मुझे। मायासुर, 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 पुनः हमारे माया के वशीभूत हो जाओ। अरे इतना कार्य शेष है तो मैं रुक क्यों गया, मुझे शीघ्रता करनी होगी अन्यथा स्वामी क्रुद्ध हो जाएंगे। अद्भुत, अति अद्भुत नृत्य है आप सभी का।
रोको अपनी माया को, रोको अपनी माया को, रोको अपनी माया को। हमारे वश में आने के लिए विवश हो जाओ दुर्गमासुर। किसी प्रकार इसे मनोरंजन का पात्र ही बने रहने देना चाहिए मुझे। किंतु क्या कर, वचन दिया है मैंने इसे, उसे तो मुझे निभाना ही होगा। अरे मूर्ख, मेरा दिया सिरस्त्राण धारण करो, तभी तुम मायासुर की माया से सुरक्षित रह सकोगे। ये क्या कर रहा था मैं? मित्र बनकर आया था यहाँ और इसका सेवक इसके मनोरंजन का पात्र बन गया। ये मायावी मुझे अपने माया जाल में उलझा कर क्रीड़ा कर रहा है मेरे साथ। मेरा शीस्त्राण कहाँ है? अच्छा, तो इसी कारण मैं बार बार माया के प्रभाव में आ रहा था। क्या हुआ मित्र दुर्गमासुर, नृत्य क्यों अल्लाह छोड़ दिया आपने? पलटे भी नहीं? ये क्या? दुर्गमासुर हमारे माया के प्रभाव में क्यों नहीं आ रहा? बस मायासुर बस। बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा। अपने मित्रों को उपहास का पात्र बनाकर इस प्रकार स्वागत करते हो अपने मित्रों का? हाँ दुर्गमासुर, अवश्य हम इसी प्रकार का स्वागत करते हैं अपने मित्रों के साथ। मायासुर नाम है हमारा और मायावी क्रीड़ा करना स्वभाव। जन्म लेते ही हमने अपने पिता, अपने जन्मदाता ब्रह्मदेव को अपनी माया से अपने वश में कर दिया। तो यदि अपने माया के प्रभाव से अपने परम मित्र के साथ थोड़ा हास परिहास करने तो इसमें अनुचित क्या है दुर्गमासुर? उचित है उपहास उस मित्र का भी जिसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। शांत दुर्गमासुर, शांत। तनिक से परिहास के लिए इतना क्रोध क्यों प्रकट कर रहे हो मित्र? क्यों ना करूं? ये क्या है वहां? मायासुर, ये क्या कर रहे हो तुम? कहीं तुम अपने माया के अहंकार में आत्ममुग्धता की सारी सीमा तो नहीं लांग गए? यह आत्ममुग्धता नहीं है मित्रा, स्वयं के प्रभाव में वृद्धि का उपाय है। एक बार
मात्र एक बार हमारी ये प्रतिमा पूर्ण हो जाए उसके पश्चात हमारी शक्तियां कई गुना अधिक बढ़ जाएंगे। राम राम, ब्रह्मांड के इन कोनों तक पहुंच पाएंगे जहां इससे पूर्व हमारा कोई प्रभाव नहीं था। अति उत्तम, मेरे प्रिय मित्र अति उत्तम, ये तो तुम उचित समय पर कर रहे हो। हम असुरों को इसी की तो आवश्यकता थी। समझ लो, तुम्हारे द्वारा मेरा ऋण चुकाने का समय आ गया है। समय नहीं है हमारे पास, हमारा अतिशीघ्र वहां पहुंचना आवश्यक है। और मूषक जी यहीं रुक गए हैं। उस तुर्कमासुर की दुर्गंध यहीं से आ रही है प्रभु, इसका अर्थ है वो यहीं कहीं होगा। ऐसी कीचड़ और मलिनता के मध्य क्यों आएगा तुर्कमासुर? कीचड़ प्रभु, कहाँ है कीचड़? हमारे समक्ष तो गहरी खाई है प्रभु। ना कीचड़ है ना खाई, हमारे समक्ष तो एक खंडहर है भैया। अर्थात हम तीनों को यहाँ भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और ये भिन्न दृश्य देखे नहीं जा रहे हैं भैया, अभी तो दिखाए जा रहे हैं। हमें भ्रमित किया जा रहा है भैया, ये अवश्य उस दुष्ट मायासुर की माया का प्रभाव है। इस माया का उद्देश्य ही हमें उलझाना है भैया, ताकि हमें उस दुष्ट दुर्गमासुर तक पहुंचने में विलंब हो जाए। किंतु हम ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते भैया, हमें शीघ्र कुछ करना ही होगा। छल और माया के प्रयोग से कोई कार्य भले ही सिद्ध हो जाए, किंतु ईश्वरीय शक्ति के समक्ष वो अधिक समय तक स्थायी भी नहीं रह सकती।